हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। जैसा कि आप सब लोगों को याद होगा कि पिछले वाले एपिसोड में हमारे साथ क्या हुआ, लास्ट वाले एपिसोड में मुझे एक आइलैंड मिला था जहाँ पर पिलेजर आउटपोस्ट था, वहाँ पर मेरे को पिलेजर ने मार दिया था। तो मैं वो आइलैंड छोड़कर फिर एक प्लेन्स बायोम की तलाश में आ गया था और यहाँ पर मेरे को एक बहुत अच्छी प्लेन्स बायोम मिल गई थी। तो यहाँ पर आकर मैंने अपना बसेरा डाला, यहाँ पर बेड और चेस्ट लगा दिए, जहाँ पर मैंने बहुत सारा वुड कलेक्ट किया और यहाँ पर पास ही में एक विलेज भी है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम उस विलेज को एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही एक रूइन पोर्टल भी है जिसको मैंने देखा था, तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि उसकी चेस्ट में क्या मिलता है। मैं हालांकि उसके पास भी नहीं गया था, तो अभी इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत सारा फूड कुकड़ होने के लिए लगा दिया था, तो थोड़ा बहुत मिल गया, तो इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सारी सैपलिंग है और इसमें है हमारा सारा फूड, तो अभी हम विलेज की ओर चलते हैं और इस सारे फूड को हम कुक होने के लिए रख देते हैं। और ये इंस्टेंट हीलिंग वाला पोशन मुझे विच को मारने से मिला था, जिसको मैंने मारकर उसने ही ड्रॉप कर दिया था, तो क्रिएटिव से नहीं लाया हूँ मैं, बता दूँ पहले से ही। और सामने ही रूइन पोर्टल है, आपको दिख रहा होगा शायद। तो अभी हम पहले फटाफट से विलेज की ओर चलते हैं, यहीं इसी डायरेक्शन में थोड़ी दूर पर ही है, तो वहीं से हम विलेजर्स भी लाएंगे और हो सके तो हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में अपने लिए एक बहुत ही अच्छा घर भी बनाने वाले हैं। यहाँ से आपको विलेज दिख रहा होगा, तो हम फटाफट से उस विलेज में चलते हैं। इस साइड में है हमारा रूइन पोर्टल। सो फाइनली गाइस, विलेज आ चुका है और अभी हम इस विलेज को पूरा का पूरा छानबीन करेंगे। कुछ भी अच्छी चीज़ मिले मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस वाले घर में तो हमें एक कंपास मिला है, जो कि हमारे शायद कुछ काम का हो सकता है, कार्टोग्राफर का घर है। तो अभी सामने वाले घर में चलते हैं, जो डबल हाउस की तरह है। इस विलेजर से देखते क्या दे रहा है, ये तो पेपर के बदले एमराल्ड दे रहा है, तो शुगर केन की जब फार्मिंग करेंगे तब काम आएगा। एक और चेस्ट मिल गई है, इसमें हमें बहुत सारा फूड मिल गया, पोटैटो और सैपलिंग भी पड़ी है, तो जो हमारे कुछ काम के नहीं है रहने देते इसको। और अभी हम आगे की ओर चलते हैं, आगे भी मैंने हेबल्स देखे थे, तो वो हमारे फूड का सारा जुगाड़ हो जाएगा। और इस वाले घर में मेरे को पहले भी पता था कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये मेसन है, इससे तो हम स्टोन की ट्रेड कर सकते हैं, जो हमारे पास अभी है नहीं। तो अभी हम फटाफट से ऊपर से हेबल्स को सारे सारे तोड़ लेते हैं। हेबल्स तो हमने सारे ले लिए, लेकिन सामने और भी बहुत सारा वीट है जो हम अभी तोड़ेंगे और ये फार्मर वापस से फार्मिंग करता रहेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम इन विलेजर्स ने भी बना कर रखा है, तो यहाँ पर जो सीड पड़ी होगी वो उठाएगा और इसको वापस से ग्रो करने के लिए लगा देगा। तो इन फार्मर से भी देखते हैं क्या ट्रेड देते, पहले सबसे पहले ये सारी की सारी वीट तोड़ लेते और वापस से ग्रो करने के लिए भी लगा देते हैं। सो गाइस, अभी नाइट हो चुकी है और अभी हम सोने ही जा रहे थे कि ये क्रीपर मरने से पहले ही अभी फट जाएगा, मेरे को लगता है कि हाँ गाइस, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। और इसने हमारा घर भी तोड़ दिया, हमारा नहीं सॉरी इस विलेजर का था, और जो कि कोई काम का नहीं, अंदर सो रहा है, तो सुबह देखेगा इसको पता चलेगा कि उसका घर टूट गया जो मैंने से बनाया। तो अभी हम यहाँ पर इस बेड पर सो जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हम इस विलेज में आयरन गोलम होगा तो उसको मारेंगे। तो ये हो चुका है और अभी हम यहाँ से पोटैटोस तोड़ लेते हैं कुछ, हम अपने घर पर भी बहुत सारे आलू लगाएंगे। और मेरे को नहीं लगता, और ये किसने मारा मेरे को दिख नहीं रहा है, शायद स्केलेटन ने एरो मारा है मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा, इनविजिबल हो गया। डे में मरता भी नहीं है, तो मरता तो है लेकिन है कहाँ, ये दिख भी नहीं रहा है मेरे को। शायद गाइस इस विलेज पर भूत का साया है। ओके गाइस, हमारा भूत तो ये रहा इस पानी में बैठा हुआ बच के, तो इसको अभी हम फटाफट से मार देते और यहाँ से बीट रूट भी तोड़ लेते जो हमारे फार्मिंग में भी काम आएगा। और ये तो हमारे दो शॉट से ही मर चुका है, तो अभी यहाँ से फटाफट से हम बीट रूट तोड़ लेते और इस विलेजर से ट्रेड लेने का ट्राई करते। अगर ये बीट रूट ले रहा हो तो इसको देते हैं, नहीं तो फिर हम इस विलेज में आयरन गोलम को मारकर आगे की ओर चलते हैं। और गाइस, अभी यहाँ पर बहुत सारे पम्पकिंस थे, बहुत सारे में कुछ हैं तो गाँव से थोड़ा सा दूर ही है, तो हम यहाँ पर तोड़ने आ गए और इनको लेकर भी चलते हैं हम आगे की ओर। हम भी अपना एक आयरन गोलम स्पॉन करेंगे कस्टम। सो गाइस, मेरे को आयरन गोलम दिख चुका है और अभी हम इसको मारते हैं। हमारे पास ब्लॉक है नहीं, देख लेते हैं, हाँ हमारे पास ब्लॉक है, इसका प्लैंक बना लेते हैं और चार ब्लॉक की हाइट से हम इसको इजीली मार सकते हैं। ये हमको मार नहीं पाएगा, तो पहले ही क्रिटिकल पड़ चुका है। और अभी यहाँ पर हम ऊपर की ओर चलते हैं और अब हम इस आयरन गोलम को मारते हैं। मैक्सिमम ये 5 दे सकता है और मेरे को लगता है ये मेरे को 5 या 4 आयरन इंगट दे देगा, तो इससे हम अपने लिए एक बकेट बना सकते हैं और पिकेक्स तो नहीं बनेगी, उसके लिए हम माइन कर लेंगे। तो अभी इसको फटाफट से हम मार देते हैं।
फाइनली आयरन गोलम मर चुका है और देखते हैं इसने हमको कितना आयरन इंगट दिया। गाइस 5 आयरन इंगट मैक्सिमम जो होता है उसने दे दिया है, तो इससे हमारे लिए एक बकेट बन जाएगी और एक स्वॉर्ड बन जाएगी। हालांकि घर पर भी थोड़ा बहुत आयरन इंगट पड़ा है, तो अभी हम चलते सीधा घर पे। गाइस घर तो अभी हम आ चुके हैं, तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा कुक फूड कुक होने के लिए रख देते हैं और अभी हम चलते सीधा रूइन पोर्टल की तरफ को। सो गाइस रूइन पोर्टल हमारे घर के इस साइड में है और अभी आपको यहीं से दिख जाएगा थोड़ा बहुत उसका एक पोर्टल का आधा हिस्सा है, जो कि अभी आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, थोड़ा बिल्ड किया हुआ है। तो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर गोल्ड भी हो सकता है, तो वो उठाते हैं और फिर हम वापस से अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और नेक्स्ट वाले एपिसोड में गाइस हम एक अंडरग्राउंड अपना घर बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो यहाँ पर एक चेस्ट है, इसको चेक करते पहले, तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं मिली, कूड़ा ही मिला है। तो फ्लिंट एंड स्टील उठा लेते हैं और एक पैंट मिली है प्रोटेक्शन 2 वाली और कुछ गोल्डन नगेट्स मिले, इसको उठाते हैं। और यहाँ पर एक केव भी है और ये रहा हमारी खास चीज़, तो यहाँ पर पड़े गोल्ड ब्लॉक, एक ही होता है इसलिए हम इसको अभी नहीं उठाएंगे क्योंकि हमारे पास आयरन की पिकेक्स नहीं है। तो यहाँ पर ये नीचे एक केव है, तो इसमें हमें बहुत सारा आयरन मिल जाएगा और फिर हम इसको भी माइन कर लेंगे। तो आज की वाली इस वाली वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।